हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर जियो में क्या बैटरी 65 रन नहीं कर रहा है। दोस्तों, पहले क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जियो में पहले कभी कभार चल जाता था वीपीएन यूज़ करके, बट अब नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऐप आ चुका है। जैसे देखा होगा आपने, बिन ऐप के थ्रू अगर आप प्ले करेंगे तो नहीं चलेगा जियो, और हो सकता है एयरटेल में भी आप ट्राई करके देखेंगे तो जियो और एयरटेल में वर्क नहीं कर रहा है। एंड दोस्तों, एक नई न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तमिलनाडु में ये बैटिंग ऐप बैन होने वाली है परमानेंटली। अगर बात करते हैं इस पर, अभी चर्चा हो रही है, मीटिंग है, गवर्नमेंट ने डिसाइड भी कर लिया, इसके ऊपर नोटिस भी भेज दिए। हो सके जल्दी से जल्दी ये अपडेट आने वाला, हो सके जून से ये प्रॉपर तरीके से बैन हो जाएगा तमिलनाडु में। इस पर एक्शन लिया गया है हाईकोर्ट तक की, बाकी देखते हैं क्या अपडेट होता है जून के बाद। बाकी जैसे कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस पर दोस्तों काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब अलर्ट रहना कि हो सकता है अगर आपने ज़्यादा डिपॉजिट कर रखा हो तो उसको आप विड्रॉल ले लेना पहले ही, क्योंकि बाद में एंड टाइम पे डिपॉजिट में बहुत प्रॉब्लम, डिपॉजिट और विड्रॉल में दोनों में ही प्रॉब्लम आती है जैसे देखा होगा आपने। तो कहने का मतलब अलर्ट रहना, सेफ एंड सिक्योर प्ले करो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मत करो है। ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।